फंडिंग नगर विकास में रहे और उसका मिस यूज आप लोग कर सकते हैं। बकवास बातें हैं, बोलिए। और हम आपको पहले भी कहे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से सारे चीजों को रखा है। कोर्ट के आदेश जो आया है उसको देखते हुए हम लोगों ने यही निर्णय लिया था कि भाई बिना आरक्षण के चुनाव नहीं करते। अगर हम आरक्षण हम नहीं चाहते तो हम चुनाव नहीं करा दिए होते। हम काहे सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों को हमने खड़ा किया वहाँ हमारी सरकार ने। तो ये फैसला जो है महाराष्ट्र कोर्ट के बाद जो आया बिहार में, तो हम लोग जो है अपनी आर्ग्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट में बखूबी जो ढंग से रखने का काम करेंगे। लेकिन इसमें तो भाजपा, हमसे पहले मंत्री कौन था, किसने गड़बड़ किया, कौन पार्टी के पास ये भाग जो है लंबे समय तक रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा ही तो पहले से ही चलता रहा, पहले चुनाव हुआ नहीं क्या, जो 2006 में भी पहले हम लोगों के समय सुप्रीम कोर्ट में था, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वापस लिया और सारे दल को बुलाकर के बात हुई थी, हम सब दल पक्ष में थे। लेकिन ये तो भाजपा को तो कुछ मिल नहीं रहा मुद्दा, तो ये इस तरह का बयान अमित शाह भी आए थे, वो कह रहे थे कि आप लोग जेपी के अनुयायी नहीं हैं क्योंकि आप लोग उस कांग्रेस के साथ गोद में जाकर बैठ गए हैं जिनका जेपी ने विरोध किया था, आप पर नीतीश कुमार पर सीधा प्रहार था। नहीं नहीं सब बकवास बातें हैं। और अमित शाह जी के बारे में हम क्या कहें, जो खाली इवेंट मैनेज करता है, इवेंट था आ गए, इनको क्या लेना देना है भाई जेपी जी से, कोई वसूल पे ये लोग चलते हैं क्या। आज जो देश में आघोषित इमरजेंसी है इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं की गई, बोलना ना चाहिए कि भाई तानाशाही जो है पूरे देश में हो गया है। जयप्रकाश नारायण जी ने भी तो इमरजेंसी के खिलाफ ही आंदोलन शुरू किया था, आज के दौर में तो अघोषित इमरजेंसी है। आज कहाँ भारत सरकार में किसी की सुनवाई होती है, न कार्रवाई होती है, केवल केवल चंद लोगों की ही सरकार है और चंद लोगों के लिए ही काम किया जाता है। आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डेंगू को लेकर डेंगू बढ़ गया है, डेंगू का हम लोग जो है रिपोर्ट मंगा रहे हैं, इस पर सभी अधिकारी को निर्देशित किया गया है, चाहे साफ सफाई का ख्याल रखने का काम किया जाए और साथ ही साथ हेल्थ डिपार्टमेंट में भी बोला गया है कि किसी मरीज को जो है कमी इसमें आने नहीं देनी चाहिए। अच्छा, आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह क्या नाराज चल रहे हैं, क्या क्या चीज़ की जगदानंद सिंह नाराज चल रहे हैं, अभी तो ऐसा कोई बात भी नहीं आ रहे हैं, अभी तो कोई बात नहीं, पहले तो जो बात हुई थी तबियत तो खराब था। नाराजगी क्या होता है, नाराजगी कुछ नहीं होता है, नाराजगी होता तो आप लोगों के बीच आकर के बोलते ना कि क्या बात है नहीं बात है। और जगदा बाबू को आप लोग पहचानते नहीं है ना, दिक्कत ही है। जगदा बाबू को तो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब पार्टी ऑफिस जाते रहे, लेकिन उससे पहले जितना पार्टी का कार्यक्रम था सब काम कर देते थे लेकिन आगे नहीं आते थे। आप लोग समझ रहे हैं, सब काम कर देते थे लेकिन आगे नहीं आते थे। जगदा बाबू चेहरा दिखाने वालों में से नहीं है, तो काम करते रहते हैं। कुछ नहीं है। अरे भाई नाराजगी कुछ नहीं होता है इस पार्टी में, नाराजगी कुछ चीज की नहीं है, जो बात होती है निर्णय होता है, सहमत होते हैं हम लोग और लिखते हैं, बातचीत करते हैं, डायलॉग होता है, सब चीजें होती रहती दोनों सीटों पर, दोनों सीटों पर आरजेडी जीत रही है, दोनों सीट पे आप लोग किसको शक है, किसी को शक है क्या इसमें, किसी को। पहले हम बाई इलेक्शन जीते बोचाहा, अब तो हमारा 7 दल के साथ हो गया है, अब तो जदयू भी हमारे साथ।